मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ब्रेड पिज्जा की रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप इसे कभी बना के खा सकते हो। 2 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सामग्री ली है। 1 शिमला मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, और 1 छोटी कटोरी शेजवान चटनी ली है। 2 चम्मच साबुत लाल मिर्च कुटी हुई ली है, और 1 कटोरी टमाटर सॉस लिया है, 1 खीरा लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, और 1 पैकेट मैंने ब्रेड का लिया है, और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीज ली है जो बारीक बारीक मैंने काट ली। सभी सामग्री को इस बाउल के अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले 1 खीरा लिया है जो बारीक कटा हुआ, और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, और इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। सब्जियां यहाँ पर आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई बड़ी साइज की। आप चाहो यहाँ गाजर भी ले सकते हो, और भी आपको जो सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चीज बारीक कटी हुई, चीज आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 1/2 चम्मच साबुत लाल मिर्च कुटी हुई, आप इसमें पीसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो। हमें ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स करनी है। ऊपर नीचे करते हुए सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। हमारे ये सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। चलिए हम ब्रेड को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पैकेट ब्रेड का लिया है। ब्रेड आपको यहाँ पर ताज़ा ब्रेड ही लेना है, जिससे आपका पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शेजवान चटनी ली है, जिसे मैं 1-1 चम्मच ब्रेड के ऊपर डालूंगी, और इसे चम्मच की सहायता से फैला दूंगी। इसी तरह से मैं चारों ब्रेड के ऊपर शेजवान चटनी से इसे लगा कर फैला दूंगी। शेजवान चटनी लगाने से हमारे ब्रेड में पिज्जा जैसा टेस्ट आएगा। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से 1 ब्रेड को उठाकर हाथों की सहायता से भी इसे फैला के लगा सकते हो। चारों ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छी तरह से शेजवान चटनी को लगा लिया है। अब हम इन सब्जियों को ब्रेड के ऊपर 2-2 चम्मच डालेंगे। आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हो और कम भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 2-2 चम्मच ब्रेड के ऊपर इन सब्जियों को डालूंगी, और मैंने 1 कटोरी में टमाटर सॉस लिया है, जो मैं इसके ऊपर 1-1 चम्मच टमाटर सॉस डालूंगी। सभी ब्रेड के ऊपर 1-1 चम्मच टमाटर सॉस डाल दूंगी। टमाटर सॉस डालने के बाद हम इसके ऊपर 1-1 चम्मच चीज़ डालेंगे, जो मैंने यहाँ बारीक काट के रखी हुई है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार होएगा। चीज़ को आप यहाँ पर ज़्यादा ही डालिए, कम मत डालिए। चीज़ जितना आपका इस पर पड़ेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर चारों ब्रेड पे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ डाल दी है, और अच्छी तरह से हमारे ब्रेड तैयार हो गया। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव के अंदर भी इसको सेक सकते हो, और आप इसे कढ़ाई के अंदर भी सेक। मैं यहाँ पर एक पैन लूँगी, और पैन के अंदर ही मैं इसे सेकूँगी, और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च साबुत इसके ऊपर डालूंगी, ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगी और टेस्टी लगेगी। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हमारे ब्रेड सेकने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी यहाँ पर सब तरह अच्छी तरह से फैला दूंगी और गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, और गैस की आंच को आपको मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, वरना ब्रेड सारे जल जाएंगे। इसी तरह से मैं 1-1 ब्रेड को रख दूंगी। 4 ब्रेड इस पर रख के मैं अच्छी तरह से इसे सेक लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पैन के अंदर चारों तो ब्रेड रख दी है और अच्छी तरह से सेक रहे हैं। इनको आपको मीडियम आंच पे ही सेकना है, और एक प्लेट से आपको कवर कर देना है, ताकि इसकी भाप से वो चीज़ है जो अंदर से पिघल जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी चीज़ पिघल चुकी है, अंदर से थोड़ा सा हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा है। हमारे ब्रेड बनके तैयार हो गए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पिज्ज़ा तैयार है। आप इसे टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.